अगर तूने मुझे इन सब के सामने छू लिया तो मैं तेरी। अबे दम नहीं है क्या दम? ए चिरकुट, सामने वाली दुकान पर मेरा नाम लेना, मेरा ससुर तुझे 2 दर्जन चूड़िया देगा, पहन लेना। मैचबॉक्स है क्या? प्यार करने वाले कुछ ज्यादा ही जलते हैं। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपन को चाहने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। अरे कहाँ रे वो चिंचोली का चूड़ी वाला? भाई आजकल दुकान पे कोई आता नहीं ना, तो वो धंधा मंदा इसलिए सॉरी भाई। अरे हाँ धम की बात कौन की अबे? आई लव यू बेबी, ढासू आइडिया था। जो शहर में रहने आता है वो उसके बारे में सीखता है, जो राज करने आता है वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। कमाल, ससुरा आ गया। एवरीबडी आउट। बच गया साले। वो मेरे को बचाने नहीं आया बे, अब उनसे तेरे को बचाने आया है। कौन है ये? गरुड़ा को उड़ाने वाला हथियार। ये तुझे यहाँ किस लिए बुलाया है और तू कर क्या रहा है? मेरी बात को कान पर डालने वाला नहीं, दिमाग में लेने वाला चाहिए था, इसीलिए राजेंद्र देसाई के क्लब में आकर राजेंद्र देसाई को ही बुलवा लिया। क्या प्लान बनाया है? गरुड़ा दूसरे रास्ते से ही आएगा, जिस रास्ते पे ज्यादा लोग होंगे, नई नई खुली दुकाने, आस पास घूमते ग्राहक, वो सब लोग जिन्होंने अभी घर किराए पर लिया है, बहुत दिनों से खड़ी गाड़ियां, खाली टैक्सियां, सब के सब उसी के लोग हैं। हम उसे वहां नहीं मार सकते। तो फिर DYSS पार्टी ऑफिस के अंदर ही मारूंगा। क्या बात कर रहा है, हर जगह पुलिस होगी, गेट पर भी पुलिस होगी, मिनिस्टर्स की भी चेकिंग होगी। गुरु पांडियन जी का ऑर्डर है, सबकी चेकिंग करनी ही पड़ेगी, छोटे सरकार आ रहे हैं। तुम उसे अंदर मारोगे? हमारी भी चेकिंग करेंगे, उसकी भी चेकिंग होगी। अगर एक बार अंदर मेरे हाथ में गन मिल गई, गन मिलेगी। स्टैचू का जाल बिछाकर वो सब गरुड़ा का इंतजार कर रहे थे।
उसी भरोसे को जिंदा रखने के लिए आया हूं।